श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों ये हम जानते हैं कि पितृपक्ष का आखिरी दिन आ गया है और सर्व पितृयम वस्य आ गई है। कहते हैं कि इस दिन यदि आप कोई भी उपाय पितरों को प्रसन्नता के लिए करते हो तो पितर आपको जाते समय इतना ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन के हर तरह के भंडार भर जाते हैं और जीवन के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस भी इंसान के जीवन में पितृ दोष हो, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं और पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है और शास्त्रों में बताया गया उपाय है, तो आइए इस उपाय को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक दीपक की ज़रूरत होगी, जो कि सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपने शाम के समय में ही यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने शाम के समय में यह जो सरसों के तेल का दीपक है दक्षिण की तरफ मुख करके आपने किसी भी नदी जलाशय के पास जाकर इसको दीपदान करना है। जब यह दीपदान आपने करना है, आपने अपने पितरों को याद करना है और दक्षिण की तरफ मुख करना है, इस बाती का और दीपक जला देना है। यदि आपके घर के आसपास कोई जलाशय नहीं है तो यह उपाय करने के लिए आप किसी भी देवालय जा सकते हैं और उनकी चौखट पर भी यह दीपक जला सकते हैं, किंतु फिर से दीपक का मुख, दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में की तरफ होना चाहिए। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं या फिर ऐसी अवस्था नहीं है कि वो मंदिर जा सकते हैं तो घर की छत पर जाकर यह उपाय करें और वहाँ पर भी दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके और बत्ती का मुख दक्षिण की दिशा की तरफ करके यह उपाय करें और दीपक जला दें। कहते हैं कि जो भी इस प्रकार से तीनों स्थानों में से केवल एक ही स्थान पर दीपक जला देता है और बत्ती का मुख दक्षिण की तरफ रखता है, क्योंकि पितरों का जो सही स्थान है वो दक्षिण है। जब वे पितृ अमावस्या पर अपने पितृलोक को वापिस जाएंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ ही जाएंगे, तो आप ऐसा करके उनके जीवन में, उनके रास्ते में उजाला करते हो तो वो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी उजाला करते हैं। इसलिए शाम के समय में यह दीपक जलाना ना भूलें। आप अपनी अवस्था के मुताबिक तीनों में से किसी भी एक स्थान पर जाकर दीपक अवश्य लगाएं, किंतु शर्त इतनी है दीपक की बाती का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए और लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। यदि आपके पास सरसों का तेल का दीपक नहीं है तो आप तिल के तेल से भी यह उपाय कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम की हाजिर जरूर लगाएं। जिनको इस वीडियो की जरूरत है वहाँ तक जरूर शेयर कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।